साक्षी यानी अपनी अध्यक्षति आरती मार्कंडावटी नगरी रूपावटी नगरी मंचावटी नगरी मई तारोबा दरिया में भूलो पड़ी जाए हाँ। तो माता जी ने याद करे तो ऊपर दीवो प्रगटावे। अच्छा। लोग भटक जाते थे रात को 300-400 साल पहले, तो उनको पता नहीं चलता था कि बोट कहाँ पर है उस समय पे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया, मैं हूँ प्रतीक त्रिवेदी। आपने नवरात्रि में माता जी की आरती में एक लाइन सुना रहेगा, त्रंबावटी नगरी रूपावटी नगरी, मतलब माता जी की आरती है, तो उसमें से जो त्रंबावटी नगरी है मतलब खंबात, तो वही खंबात में 900 साल पुराना माता जी का मंदिर है, अम्बे माँ का मंदिर है, जिसे सिक्कोतेर माता के नाम से जाना जाता है, वाहनवटी सिक्कोतेर माता। तो यहाँ पे पीछे वही मंदिर है जो चमत्कारी मंदिर है, 900 साल पुराना मंदिर है। चलिए इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से एंट्रेंस है मंदिर का और यहाँ पे पार्किंग एरिया है, तो आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो पार्किंग एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ पे भी पार्किंग एरिया है, तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है सैटरडे संडे और नवरात्रि के टाइम। और वहाँ पे एंट्री है मंदिर में जाने के लिए और वहाँ पे समंदर है। तो मंदिर के सामने आपको, पार्किंग एरिया के सामने आपको यहाँ पे आश्रम देखने मिलेगा, तो यहाँ पे रहने के लिए जगह है। अगर आप दूर से आते हो तो यहाँ पे फैमिली के लिए स्टे है। तो मंदिर के एंट्रेंस के सामने ही आपको यहाँ पे एक और एंट्रेंस देखने मिलेगा जो धृष्णेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ता है और एक मंदिर के पीछे से रास्ता है। और सामने देख रहे हो वो समुंदर है, अरेबियन सी है और जिसे हम गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं। तो हम लोग वहाँ पे बाद में जाएंगे, पहले माता जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे प्रसादी काउंटर है, जब माता जी को चुंदड़ी या नारियल चढ़ाना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सब। तो चलिए अभी अंदर जाते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। दोस्तों, खंबात से जुड़ा रालेज गांव के पास समुंदर के किनारे वाहनवट्टी सिक्कोतेर माता का मंदिर, जो वडोदरा से 70 किलोमीटर, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर और खंबात से 5 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ है। दोस्तों, हम नवरात्रि में जो माता जी की आरती गाते हैं जय आद्या शक्ति, उसमें एक लाइन है त्रंबावटी नगरी रूपावटी नगरी। दोस्तों, वो स्थान यही है खंबात, जो प्राचीन काल में त्रंबावटी नगरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, कई सौ साल पहले माता सिक्कोतेर का एक भक्त भी था, जो एक समय समुन्द्र में सफर कर रहा था और समुन्द्र की तेज लहरों के कारण उसकी नाव डूबने आ रही थी, और माता जी से प्रार्थना करने के बाद माता जी ने उसकी नाव समुन्द्र के किनारे पहुंचा दी। तो आज भी उसी घटना के ऊपर एक स्तुति है जो हम नवरात्रि में गाई जाती है। तो हमारे साथ पुरुषोत्तम भाई है यहाँ के केयर टेकर, उनसे जानते हैं इस मंदिर की कहानी। आ मूर्ति जी दर्शन करी रहा है, ये मूर्ति ने 1000 वर्ष ऊपर थयू है, 1000 वर्ष कोई साक्षी वगर के 1000 वर्ष कही ना सकाय। साक्षी यानी अपनी अध्यशक्ति आरती मार्कंड ऋषि जयरे था ये वक्त माता जी ने आरती लखेली, और एमो लखेलू के त्रंबावटी नगरी रूपावटी नगरी मंचावटी नगरी मई तारोवास,
आ एक पंक्ति आ माताने साक्षी बोले है। एटले त्रंबावटी नगरी खंभातनू असल नाम त्रंबावटी नगरी, कर्णावती नगरी अमदावाद अने रूपावटी नगरी खंभाती 10 किलोमीटर एक नगराकरी गाम से ये रूपावटी नगरी अने त्रंबावटी नगरी खंभात अने खंभातमो तारो वास એટલે આ સિકોતર માતા પોતે ભારત દેશ ખાતે પહેલામાં પહેલું બંદર તો ખંભાતનું બંદર 64 દેશના વાવટા અહીંયા ખંભાતમાં ફરકતા, કોઈ પણ દેશમાં જવું હોય તો ખંભાતમાંથી જ જવાય। બીજું કે વાણખેડુ જે દરિયામાં ભૂલો પડ્યો હોય, રાતમાં કંઈક નીકળ્યો હોય અને પોતાની જગ્યા ઉપર જવાનું હોય અને ત્યાંથી ભૂલો પડી ગયો હોય તો માતાજીએ પાછલી સાઈડ જ લાકડાનો એક થાંભળો છે, એ થાંભળા ઉપર માતા દીવો પ્રગટ કરતી, દરિયામાં પેલા વાણખેડુઓ જોવે અને એ દીવો જોઈને એવડા એ પોતાની જગ્યા ઉપર ખંભાત પાછા જતા રહે। બીજી પંક્તિ માતાની સાક્ષી એ છે કે શિવશક્તિની આરતી જે કોઈ ગાશે, શક્તિ તો બિરાજમાન હતી, શિવને બોલાયા એટલે શિવને શક્તિ બેઉ ભેગા થયા। બીજું આ બધું દરેક મહત્કમ દરેકનું મહત્કમ આ માતાજીના હુકમથી જ થયું છે। કોઈ પણ વસ્તુ કરવી હોય તો અહીં માતાજીને પૂછીને બધી જ બધી કાર્યવાહી આવે। બીજું કે અહીંયા નવરાત્રિમાં 5000 બહેનો ગરબા ગાય છે, આ ચાચર ચોકમાં 5000 બહેનો નવરાત્રિની આઠમ પર 5000 બહેનો ગરબા ગાય છે। માતાજીની જે મૂર્તિ છે એ સ્વયં પ્રગટ થયેલી મૂર્તિ, આ કોઈ સ્થાપિત મૂર્તિ નહીં, શિવાલય સ્થાપિત મૂર્તિ, આ પ્રાગટ્ય મૂર્તિ। બીજું અહીંયા ભોજનાલય ચાલે છે, અહીંયા ભોજનાલય ચાલે છે ફ્રીમો અને રોજ માટે ડેલી માટે સોમથી રવિ ડેલી માટે બપોરના ભોજનાલય પણ ચાલે છે। બીજું આ માતા અહીંયાથી શિવજીને મલબા મંદિરમાંથી બહાર નીકળી અને શિવાલયના મંદિરમાં જાય છે ત્યાં લગીને પુરાવા હાથે છે આપણી કને। મીનાબેન પટેલ વડોદરા રેલવે સ્ટેશનમાં નોકરી કરે છે, એ બેને આ માતાજીના દ્વાર ઉઘડી ગયા, મંદિરમાંથી માતા બહાર નીકળ્યા, શિવાલયમાં દર્શન કરવા ગયા, ત્યાં લગીને એ લોકોએ આખું સીન જોયું હતું। સિકોતર, શ્રી એટલે લક્ષ્મી, કો એટલે કોતર, સિકોતર કોતરમાં રહેનારી લક્ષ્મી એ સિકોતર, જગડુશાના વાણિયાનું વાહણ તાર્યું એટલે એ વાણવટી નામ પડ્યું। જગડુશા વાણિયો હતો, ખંભાતથી માલ લઈને જતો હતો અને આગળ એનું નામ ડૂબવા લાગ્યું, એ સીન દઈ રહ્યું જો ઉપરનું સીન છે આ ઉપરવાળું, હા હા, એ વાણ સાથે એ માતાએ વાણ તાર્યું, દરિયામાં વાણ ડૂબવા લાગ્યું, માતાને અરજ કરી કે માં અમને બચાય, તો માતાજી એની પર પ્રસન્ન થયા, એને નામને અદ્ધર કરી એટલે એનું નામ વહાણવટી પડ્યું, પહેલાં સિકોતર, સિકોતર વહાણવટી, સિકોતર વહાણવટી, વહાણ તાર્યું એટલે એનું નામ વહાણવટી પડ્યું। તો ભાઈ હમ લોકો ખંભા દેખને જા રહે જ્યાં હશે વો પ્રાચીન જબ 900 સાલ પહેલે वो माता जी खुद ब खुद यहाँ पे जोत प्रकटाती थी, जहाँ पे वो वाहन भटक जाते थे वहाँ पे आ छे, हाँ अंदर लाकड़ू छे, अच्छा अंदर लाकड़ा नो स्तंभ छे अने ऊपर अमदावाद ना भाई एक चोवटिया ए ऊपर एनी ऊपर तांबानो पत्रू मारी, केम के ये लाकड़ू जड़वाई रहे। केटला वर्ष जूनो छे आ? जूनो 300-400 वर्ष जूनो आ रहे है। ઉપર માતાજી દિયા જલાવી હતી, જાતે જ પ્રગટી જતું હતું, પ્રાર્થના કરતા હતા, તો એ દરિયામાં ભૂલો પડી જાય, હા, તો માતાજીને યાદ કરે એટલે ઉપર દીવો પ્રગટાવે। અચ્છા, Thank you.
तो इस मंदिर को वाहनवटी सिक्कोतर माह भी कहते हैं। इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों। कई सौ साल पहले खंभात का एक बिजनेसमैन जब व्यापार करके खंभात पहुंच रहा था, तब यहाँ पे उसकी नाव डूबने आ रही थी। तब उसने माताजी से प्रार्थना की कि उसकी जान बचा ले। तब माताजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और लोगों की जान बचा ली और सही सलामत उसकी नाव समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। उसके बाद से इस मंदिर को वाहनवटी सिक्कोतर माह के नाम से जाना गया। यहाँ पे ये चमत्कारी खंभा है माता जी का मंदिर के पीछे, सिक्कोतर माता का मंदिर के पीछे। यहाँ पे लकड़े का खंभा है, लेकिन उसके ऊपर अभी हाल ही में ये तांबे का परत चढ़ाया है, लेकिन अंदर लकड़े का खंभा है। तो 300 साल पुराना है। और यहाँ पे जो वहाँ पे समुंदर है, तो वहाँ पे जो लोग 300 साल पहले जो नाव भटक जाती थी रात को, क्योंकि उनको पोर्ट नहीं दिखता था खंभात का, तो कभी कभी भटक जाते थे। तो वहाँ पे जो चालक जो होते थे वो माता जी को प्रार्थना करते थे, सिक्कोतर माता को, यानी पार्वती माँ अम्बे माँ एक ही है, तो सिक्कोतर माता को प्रार्थना करते थे। तो सिक्कोतर माँ यहाँ पे जोत प्रगटा देती थी खुद ब खुद, जिससे जो चालक होते थे जो वहाँ पे समुंदर में, उनको पता चल जाता था कि पोर्ट कहाँ पे है। मतलब ये एक इंडिकेशन साइन बोर्ड की तरफ यहाँ पे ये एक है, तो माता जी उनकी मदद करते थे। और यहाँ पे माता जी नवरात्रि के बारे में लिखा है कि यहाँ पे माता जी गरबा खेलने के लिए आते थे यहाँ पे बहुत पहले, वो सब है। और यहाँ पे ये जो स्तंभ है उसके बारे में यहाँ पे कहानी लिखी हुई है जो गुजराती में है। तो यहाँ पे समुंदर है सामने, तो यहाँ से व्यू देखने मिलेगा। और यहाँ नीचे गार्डन भी है जहाँ आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड भी कर सकते हो यहाँ पे। दोस्तों सिक्कोतर माता का मंदिर के सामने यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है। ये बड़ा सा शिवलिंग है, उसके अंदर 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत के नक्शे के अंदर बनाया हुआ है। तो वो बहुत ही बड़ा है दिलचस्प से देखने के लिए, और साथ ही भगवान विष्णु के 10 अवतार है। तो चलिए अंदर जाते और दर्शन करते। तो यहाँ से रास्ता है आपको जाने के लिए। अभी हम लोग बड़े से शिवलिंग के अंदर है, और यहाँ पे सभी देवी देवता, यहाँ पे माता दुर्गा के 9 रूप है यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे सर्कल में देवी देवताओं के मूर्ति है, मंदिर है। तो यहाँ पे शिवलिंग के अंदर आपको भारत का नक्शा देखने मिलेगा, और यहाँ पे हमारे भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो ही यहाँ पे दर्शाया हुआ है, और कहाँ कहाँ पे है वो यहाँ पे मैप के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे कि ये रामेश्वर जो तमिलनाडु में,
तो यहाँ पे उसी तरीके से वहाँ पे महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, गुजरात में सोमनाथ, वो सब, और वैजनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, सब वहाँ पे मीन्स नक्शे के हिसाब से यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग तो देखने में बहुत ही अलौकिक और रचनात्मक दिखता है यहाँ पे। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है, वही दूसरी तरफ यहाँ पे आपको भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जो शेषनाग पे विराजमान है वो यहाँ पे आपको दर्शन होगा। जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है उसी के सामने बाहर यहाँ पे महादेव के बहुत बड़े शिवलिंग है यहाँ पे। वहाँ पे मंदिर है सिक्कोदर माँ का, माँ भवानी का, और यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं समुन्दर के किनारे, जिसे अरेबियन सी भी बोलते हैं और गल्फ ऑफ खम्बात भी बोलते हैं, क्योंकि खम्बात यहाँ पे वो सामने खम्बात है, और वहाँ पे भरूच डिस्ट्रिक्ट लगता है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर वो सामने है और वो भरूच है, भरूच डिस्ट्रिक्ट। अभी यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको बरोड़ा होके जाना पड़ेगा। और वहाँ पे उस स्तंभ है जिसे जो अभी हम लोग ने देखा था, तो वहाँ जाके देखते हैं, नीचे जाके थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो हवा इतनी तेज है ना, पता नहीं वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो रहते थे वो माता जी को प्रार्थना करते थे
तो माता जी वहाँ पे जो हम लोग ने स्तंभ देखा खुद ब खुद ज्योत प्रकट हो जाती थी मसाल जैसा, जिससे यहाँ पे जो चालक थे उनको पता चल जाता था कि बोट कहाँ पर है, मतलब आइडिया मिल जाता था और बाद में सेफली पहुँच जाते थे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।